हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में. मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स. और अभी जो है मैं अपने टेरेस पर आई हूँ, तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन फ्रेंड्स. और इस छोटे से गार्डन में खिले हुए हैं जो खूबसूरत फूल. और ये देखिए, ये प्रिमोलिया जिसे हम प्राइम रोज बोलते हैं दोस्तों, देखिए उसका फूल भी खिल गया है. बहुत खूबसूरत लग रहा है. ये मेरे गार्डन में पहली बार ये फूल खिला है दोस्तों. ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है. पिटोनिया वगैरह तो मैं हमेशा ही लेती हूँ, लेकिन ये पहली बार मैंने लिया है ये वाला पौधा. पिटोनिया में भी अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों. ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए डार्क कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है ये कलर. और ये स्टार पिटोनिया है दोस्तों, ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है. ये कैरेंडुला है यहाँ पर, और ये सारे ही गुलदाउदी हैं. तो ये वाले जो गुलदाउदी है देखिए, इसमें भी फ्लावर आ गए दोस्तों, ढेरों फ्लावर आ रहे हैं. और कितना खूबसूरत लग रहे हैं इनके फ्लावर, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं. और कुछ काम भी जो कल मैंने किए हैं दोस्तों, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी. तो ये कल देखिए मैंने प्लांटर बनाया एक, ये तो अभी थोड़ा सा सुखाने के लिए रखा था, क्योंकि विंटर है तो अभी अच्छे से सूखता नहीं है. तो इसको आज मैं काम को कंप्लीट करूंगी. और कल और क्या किया मैंने और किया दोस्तों, कल की मैंने बनाए ये थोड़े से प्लांटर. और ये देखिए दोस्तों, मेरे को जो है बहुत अधिक ड्राइंग वगैरह तो नहीं आती है, लेकिन जो है एक छोटी सी कोशिश मैंने की है. तो देखिए ये एक बनाया है मैंने, ये ऑयल की फिनाइल वाली बॉटल है, और इसमें यहाँ पे जो है डॉट डॉट लगा दी है इस तरीके से मैंने. एक ये बनाया और एक ये मैंने कल बनाया है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाऊँ. ये देखिए ये भी कल मैंने ये बनाया है. ये देखिए ये कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत लग रही है. ये देखिए ये महिला का फेस बनाया मैंने, और जिसमें जो है एक इनको नथ पहनाई है. देखिए बहुत सुंदर लग रही है ये, बहुत प्यारी. तो ये भी कल मैंने बनाया है. ये देखिए कल जो काम किए वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. तो कल ये भी मैंने एक बनाया है, और एक ये ऐसे ही बना दिया दोस्तों बस. ये देखिए एक एक फेस ये बना दिया, क्या बना है ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन बना दिया बस ऐसे ही. और ये थोड़ा सा पेंट इधर कर दिया, पोल्का डॉट बना दिए थे इसमें. तो ये भी कल मैंने जो है ये काम किए हैं. और ये वाले जो प्लांटर थे, ये देखिए इनमें भी जो है मैंने पोल्का डॉट बना दिए. ये देखिए इसमें, देखिए इसमें भी मैंने कल पोल का डॉट बना दिया. और मेरा लगभग लगभग जो पेंट का काम है दोस्तों, वो ख़त्म होने वाला है. 2 से 3 दिन में जो है ख़त्म हो जाएगा ये काम मेरा. और पेंट करने के बाद जो है पॉट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है सारे ही पॉट. और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये पॉट मैंने कल क्लियर कर दिए. ये हमारी तुलसी जी हैं, ये देखिए. तो इनमें यहाँ पर भी ये 4 पॉट मैंने यहाँ पर भी कल कर दिए हैं. और एक ये भी कर दिया, ये हमारा कनेर वाला प्लांट वाला पॉट है, इसमें भी कर दिया है. तो और थोड़े बहुत यहाँ पर भी कल मैंने कर दिए. ये देखिए ये रेन लिली के पॉट हैं, वेस्ट मटेरियल के डिब्बे हैं दोस्तों, दोनों ही ऑयल के केन हैं, इनमें भी कर दिया है. और यहाँ पर ये देखिए, ये 2 ऑयल के केन हैं, इनमें भी कर दिया है कल. ये दोनों इनमें भी किया मैंने. और लगभग लगभग सारे ही पॉट्स में कलर हो चुके हैं दोस्तों, सभी में हो गया है. थोड़ा बहुत रहता है वो मैं आज कोशिश करूँगी, आज या कल 1-2 दिन और मैं ख़त्म कर दूँगी. तो ये और ऊपर के देखिए प्लांट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों. ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है. वेस्ट मटेरियल के सारे ही प्लांटर बने हुए हैं. ये देखिए वेस्ट मटेरियल की बॉटलें हैं. ये देखिए यहाँ पर ये सारी ही वेस्ट मटेरियल है. ये गुलदाउदी, गुलदाउदी में फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है. ये देखिए सारा ही वेस्ट मटेरियल की वॉल है मेरी. और यहाँ पर ये मेरा किचन गार्डन है. और देखिए टमाटर के पौधे दोस्तों काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हैं. ये देखिए सारे ही टमाटर यहाँ पर, ये देखिए टमाटर के पौधे गिलहरी रहने नहीं दे रही है दोस्तों. मैं दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ पर जो मेरा पालक वाला पॉट था उसको मैं नीचे बालकनी में ले गई हूँ, क्योंकि वो उन्होंने कुदोर दिया था, क्योंकि उसमें जो है किचन वेस्ट का यूज़ किया था मैंने, और किचन वेस्ट में जो है उन्होंने सारे ही खोद के निकाल दिया उसको. तो वो मैं नीचे ले गई हूँ, बालकनी में नहीं आती है मेरी गलेरियाँ. और ये देखिए ये प्रूफ है, ये देखिए इसमें भी मैंने किचन वेस्ट डालकर ये बनाया है ग्रो बैग. और ये देखिए ये कर दिया है गिलहरी, ये देखिए मूँगफली के छिलके आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सारा इन्होंने ख़राब कर दिया. तो ये देखिए सारे यहाँ से होल कर दिए इन्होंने, जगह जगह पे होल कर दिए हैं सारे. ये देखिए इसमें किचन वेस्ट में लगाए हैं, और ये किचन वेस्ट का देखिए क्या किया है उन्होंने. और ये भी मैंने किचन वेस्ट में लगाया है दोस्तों. देखिए किचन वेस्ट में लगे हुए पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी ग्रोथ सबने ले ली है. ये देखिए ये सब किचन वेस्ट में लगाए हुए हैं मैंने. ये देखिए ये भी किचन वेस्ट में लगाया है, ये भी सॉरी दोस्तों, ये भी किचन वेस्ट में लगाया है, ये भी मैंने किचन वेस्ट में लगाया है दोस्तों. टमाटर का पौधा ये भी किचन वेस्ट में लगाया है. और ये तो ये पहले लगाए थे मैंने, ये वाले ये भी किचन वेस्ट में लगाए हैं दोस्तों. देखिए क्या ग्रोथ है फ्री के ग्रो बैग में. और टमाटर के पौधे जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं, और जल्द ही मैं अब इनको भी रिपोर्ट करूँगी, थोड़ा समय और दूँगी इनको. उसके बाद ये वाले जो मेरे टमाटर के पौधे हैं पीछे रखे हुए हैं, इनको भी मैं जल्द ही रिपोर्ट कर दूँगी. तो कल जो काम किए शाम को, वो थोड़ा पेंट का ही काम किया. तो दोस्तों ये काम जो है समय समय पर करते रहने चाहिए, पेंट वगैरह के अगर आप करना चाहते हैं तो. जो है पहले मुझे भी लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतने सारे पॉट्स थे दोस्तों, लेकिन कोशिश करने से जो है कामयाबी ज़रूर मिलती है. तो
मैंने भी एक कोशिश करी और जो है लगभग मैंने कर ही दिए हैं सारे ही, तो थोड़े बहुत रह गए हैं और ये वॉल वाले रह गए हैं, तो ये भी मैं 2-3 दिन में इनको भी ख़त्म कर दूंगी। और ये देखिए कॉस्मोस में तो फूलों की एकदम से बाहर आ गई है दोस्तों, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, गुच्छों में इनमें फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे बगीचे की जो रौनक है इन कॉस्मोस के फूलों ने बढ़ा दी है, गुलदाउदी के फूलों ने बढ़ा दी है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है अभी, ये देखिए। और यहाँ पर मेरा ये हरा धनिया है, ये टमाटर के पौधे हैं दोस्तों, ये टमाटर के पौधों में गलती ये हुई है मेरे से दोस्तों कि मेरे पास गमले नहीं थे और किसी तरीके का कोई बाग भी नहीं था मेरे पास में उस टाइम पे, तो मैंने एक ही पॉट में जो है 12 इंच का पॉट है उसमें 3 पौधे लगा दिए दोस्तों मैंने, और ये मेरी बाल्टियों में लगे हुए पौधे हैं। तो ये है अभी का मेरा गार्डन दोस्तों, काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ मैं गार्डन में करती ही रहती हूँ। और ये देखिए ये भी जो है गिलहरी लगी हुई है ख़राब करने में, और ये भी मेरे टमाटर के पौधे हैं, ये भी देखिए टमाटर के पौधे किचन वेस्ट में लगे हुए बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों ये मैं हरा धनिया आपको दिखाऊं जो मैंने लगाया है, और इसको भी देखिए गिलहरी के डर के मारे देखिए मैंने सब ढक के रखे हुए हैं, ये देखिए ये मेरा हरा धनिया है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने बालकनी में या टेरेस में लगा लें दोस्तों तो बहुत ही उपयोगी होते हैं, कभी कभी जो है हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, और कभी ऐसा होता है कि हम किचन में ज़रूरत है हरे धनिए की और मार्केट जाने का समय नहीं होता है हमारे पास, तो इस तरीके से अगर थोड़ी छोटी चीज़ें हमारे गार्डन में लगी हुई हों तो हम उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों कमाल, ये देखिए ये मैंने लगाए थे बोतल में, ये देखिए कमाल तो ये है कि बोतल में लगा हुआ हरा धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देखिए कितने सारे इसमें निकल कर आए हैं। मैंने इस बार जो है बोतलों में भी लगा दिए दोस्तों, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है दोस्तों, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो मेरे लिए तो है ये काफ़ी हो जाते हैं इस तरीके से छोटे छोटे उनमें लगा देती हूँ, तो मेरे घर के लिए हो जाता है जैसे सब्जी के ऊपर हरा धनिया डाल देना, और उससे जो है ये देखिए ये भी मैंने बॉटल में ही लगाया है हरा धनिया इस बार, तो ये 2 बॉटलों में मैंने हरा धनिया लगाया है, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ग्रो कर रहा है दोस्तों ये हरा धनिया बॉटल में लगा हुआ है। तो आप जो है ना दोस्तों इस तरीके से अगर बड़े बड़े कंटेनर नहीं हैं आपके पास या इस तरीके की छोटी छोटी बोतलें हैं आपके पास तो आप उन छोटी छोटी बोतलों में भी देखिए लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इन छोटी बोतलों में ही ग्रो किए हैं इस बार हरा धनिया, ये देखिए और ये देखिए और इधर भी लगाया है ये सब हरा धनिया है, ये देखिए ये यहाँ पर छुपा छुपा के रखा है दोस्तों मैंने गिलहरी से सारा हरा धनिया अपना, आपको दिखाऊँ ग्रोथ क्या करूं दोस्तों। ये देखिए ये मैंने पॉट्स में लगाए हैं, ये देखिए और ये भी लगाया दोस्तों मैंने हरा धनिया, ये देखिए ये सब हरा धनिया लगाया मैंने, ये सब गिलहरी से बचाए हुए थे दोस्तों मैंने, अगर मैं ऐसा कवर ना करती तो गिलहरी जो है मेरे हरे धनिया को छोड़ती नहीं, तो ये देखिए ये मैंने हरा धनिया लगाया। तो आज की वीडियो और शेयरिंग पसंद आई होगी दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग। आप भी जो है छोटी छोटी बोतलों में हरे धनिया को लगाएं और इन्जॉय करें। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।